हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। जो भी हमारी नेशनल इनकम है वो कैसे फ्लो करती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ दो सेक्टर लिए हैं, दो सेक्टर मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। वही अगर हम तीन सेक्टर मॉडल लेते तो हाउस होल्ड, बिजनेस और गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा आ जाता, पर अभी हम लोग सिर्फ दो सेक्टर का देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो है कि अभी हमें माल बनाना है, तो माल बनाने के लिए हाउस होल्ड क्या करेगा, तो अपने पास से लैंड, लेबर, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो है वो देगा। किसको दे रहा है अब ये? तो ये देगा बिजनेस सेक्टर को, तभी तो बिजनेस प्रोडक्शन कर पाएगा। और इससे जो प्रोडक्शन होगा वो माल जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास आएगा। तो ये हो सकता है कोई भी गुड्स और सर्विसेज। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देख लेते हैं ये अगर एक इंडिविजुअल है और ये बजाज है, बजाज कंपनी है, तो क्या करेगा ये इंडिविजुअल? हो सकता है अपने आप को मतलब लेबर यहाँ पे एम्प्लॉय करता है, यहाँ पे काम करता है, और जिससे कि यहाँ पे स्कूटर बनती है। अब ये स्कूटर जो है ये बिजनेस क्या करेगा, तो जो इंडिविजुअल्स है उनको ये बेच देगा। तो हाउस होल्ड ने क्या दिया, इनको लेबर दिया, और इन्होंने इसको क्या दिया, तो ये जो व्हीकल उन्होंने बनाई थी, जो गुड्स है, जो सर्विसेस है, वो उन लोग हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये हाउस होल्ड बिजनेस सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फ्री में तो नहीं देगा, उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो बिजनेस सेक्टर को जब हाउस होल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देगा, तो इसके बदले में बिजनेस सेक्टर उनको रिटर्न्स ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा। अभी रिटर्न्स ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, तो लैंड के रिटर्न में उनको मिलेगा रेंट, लेबर के एक्सचेंज में उनको मिलेगा वेजेस या सैलरी, कैपिटल के बदले में मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के लिए मिलेगा रिटर्न्स ऑन एंटरप्रेन्योर इज प्रॉफिट। ओके, तो इस तरीके से जब हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, तो बदले में बिजनेस सेक्टर ने हाउस होल्ड को क्या दिया होगा, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट द हाउस होल्ड इज गिविंग टू बिजनेस सेक्टर। अभी वाइस वर्सा देखते हैं, जब बिजनेस सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दी, फ्री में तो नहीं देने वाले, तो इसके बदले में उनको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो ये क्या देंगे, तो हाउस होल्ड सेक्टर उस पर करेगा व्हाट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे करेंगे उन लोग, तो ऑन गुड्स एंड सर्विसेस। तो अगर कंपनी या बिजनेस सेक्टर उनको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे, तो बदले में इन लोग देंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से देखिए एरो की डायरेक्शन, देखिए हाउस होल्ड सेक्टर से ये जो एरो है वो इस तरीके से जा रहा है, मतलब ये यहाँ से ये बिजनेस सेक्टर के पास आया, क्या आ रहा है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में ये देखिए ये एरो जो है वो इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता हुआ वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास गया, तो बिजनेस सेक्टर ने उनको क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। वही अंदर के एरो के पास देखिए, ये हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की ओर ये एरो जा रहा है, तो क्या दिया जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये पैसा दिया जा रहा है। और यहाँ से बिजनेस सेक्टर से भी ये रेंट, वेजेस मिला, तो ये भी इनके पास, हाउस होल्ड के पास जा रहा है। एरोज देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा डायरेक्शन कौन चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है। अभी अगर हम बात करते तो ये जो बीच का है इसे हम कहेंगे मनी फ्लो। तो जो इनर सर्कल होती है उसे कहा जाता है मनी फ्लो, क्योंकि ये सब क्या है, तो ये सब पैसा है, तो जो अंदर का है उसे मनी फ्लो कहेंगे। लेकिन जो बाहर का जो फ्लो जा रहा है, जैसे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं द आउटर सर्कल। आउटर सर्कल क्या बताता है, तो रियल फ्लो। तो रियल फ्लो आउटर सर्कल में जाता है, आउटर फ्लो होता है, और इनर में जो है वो आपका मनी फ्लो है। इस तरीके से हमने देख लिया है व्हाट इज कॉल्ड एज द
circular flow in a simple economy or two sector model of circular flow of national income. This is a very small topic but very important. So, bye.